बहिष्कार कर सकते हैं तो कर देते हैं, तो हो सकता है चाइना का आने वाले समय में सामाजिक बहिष्कार हो जाए, हो सकता है अमेरिका भी कमज़ोर हो जाए, और हो सकता है कि भारत इतना मजबूत बन जाए कि विश्वगुरु भारत आने वाले समय में भारत बन जाए, तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में हमारी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को आप और हम निभाएंगे। तो मैं चाइना के बारे में आपको बताता हूं कि चाइना किस प्रकार से भारत को घेर रहा है। ये क्योंकि मेरे पास एडिटिंग की फैसिलिटी नहीं है, अब ये देखिए, ये सामने आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये आपको मैप दिखाई दिया होगा, ये चाइना है, ये इंडिया है। इंडिया को आप देखेंगे तो इंडिया को चारों ओर से घेरने का, आप देखिए इंडिया के यहाँ ये ग्वादर का पोर्ट है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास ग्वादर का पोर्ट में चाइना बैठा हुआ है। इधर आप देखिए दक्षिण अफ्रीका के केन्या में कई देशों में बैठा हुआ है। इसके साथ साथ आप इधर देखेंगे तो मालदीव है, नीचे मालदीव और सेशल्स में वहाँ पर चाइना बैठा हुआ है। आप इधर देखेंगे श्रीलंका के अंदर चाइना आ गया है। आप इधर और ऊपर आएंगे तो देखिए बांग्लादेश के अंदर आ गया है, बर्मा के अंदर आ गया है। इधर ये मलक्का की खाड़ी है, आप इधर देखेंगे ना, ये मलक्का की खाड़ी मेरे इधर से उल्टा दिखाई दे रहा है, ये मलक्का की खाड़ी है नीचे से। यहाँ से चाइना का सारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ये वाला जो हिस्सा है। यहाँ पर भी चाइना ने चारों ओर से भारत को घेर लिया है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मतलब भारत माता के चारों ओर से फांसी का फंदा एक तरीके से चाइना ने कस दिया है। इन सारी चीज़ों की बातचीत मैं आने वाले एपिसोड में करने वाला हूं, लेकिन आज जो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं वो आपसे पाकिस्तान के विषय में बातचीत करने वाला हूं। पाकिस्तान के विषय में क्या है, आप ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान का मैप है, ये पाकिस्तान का मैप है। इस पाकिस्तान के मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ये बलूचिस्तान है, ये जो बड़ा हिस्सा है ये बलूचिस्तान का है, ये फिर सिंध प्रांत है, ये पंजाब प्रांत है, और ये ऊपर खैबर पख्तून प्रांत है, ये पीओके है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और गिलगित बाल्टिस्तान है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान, इसको आप याद रखिए। मैं आपको एक दूसरा मैप दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारे जम्मू, ये मैप आप पहचान रहे होंगे। मैं आपको एक काम की बात, एक कमाल की बात बताता हूँ, आपको आश्चर्य हो कि जो नक्शा हम गूगल में देखते हैं, जो हम नक्शा हम पुस्तकों में देखते हैं, जो नक्शा हमें भारत में दिखाई देता है, उस सारी ज़मीन के ऊपर भारत का कब्जा नहीं है, वो सारी ज़मीन हमारे पास नहीं है। उसमें से एक बड़ा हिस्सा, मैं यूँ कहूँ कि लगभग 50% हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर हमारा कब्जा नहीं है। वो कौन सा हिस्सा, ये देखिए हम भारत माता का नक्शा देखते हैं तो ऐसा हमें मुकुट दिखाई देता है ना, अब ये हमारे भारत की पगड़ी है, ये भारत की पगड़ी और भारत का मुकुट है। अब इस मुकुट में से ये अक्साई चीन है, ये हमारे पास नहीं है, और ये कितना है, ये लगभग 40,000 square kilometers है। 40,000 square kilometers का मतलब आप क्या समझते हैं, हरियाणा के बराबर। अब ये पूरा गिलगित और बाल्टिस्तान, ये पूरा हिस्सा जो ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत के पास नहीं है। ये जो हिस्सा है ये पीओके बोला जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये गिलगित बाल्टिस्तान और ये अक्साई चीन, ये तीनों हिस्से 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने अपना विलय किया तो ये भारत को दिए थे, लेकिन अभी हमारे पास ये लेह लद्दाख का क्षेत्र है, ये कश्मीर का क्षेत्र है, और ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, मतलब एक छोटा हिस्सा जो आज हम कश्मीर जिसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर किसको कहते हैं, वो भारत का एक छोटा सा हिस्सा है, वो पूरा हिस्सा नहीं है। और हम और आप जो देश को अपना मानते हैं, उनमें से ईमानदारी से पूछा जाए तो कितने लोगों को पता होगा कि हमारे पूर्वजों की संपत्ति, हमारी मातृभूमि का और छोर कहाँ पर है, उसका उसके पास कितना क्षेत्रफल है। आप कल्पना कीजिए कि आपको आपके पिताजी, आपके दादाजी कोई क्षेत्रफल, कोई स्थान देकर जाएं और आपको ये नहीं पता हो कि आपके घर की बाउंड्री शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ से होती है, आपका घर का क्षेत्रफल कितना है, आपके पास जो खेत हैं उस खेत की भूमि आपकी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ख़त्म होती है, तो इससे अधिक विडंबना कुछ कहा जाएगा। अपने भारत में कभी बताया नहीं जाता, कभी पढ़ाया नहीं जाता कि पीओके क्या है, गिलगित क्या है, बाल्टिस्तान क्या है, अक्साई चीन क्या है, भारत के अंदर इनका क्या महत्व है, इनकी ये भारत के कब्जे में है या किसी और के कब्जे में है। हम और आप क्या सोचते थे, हम और आप ये सोचते थे कि हमारी सेना
यहां पर हमारी सेना होगी, हमारी बाउंड्री के ऊपर। हमारी सेना यहां नहीं है, हमारी सेना यहां पर है, हमारी सेना इससे बहुत नीचे है। हमारी सेना की मैं बात करूं तो हमारी सेना यहां है, हम मैप में इतना दिखाते हैं, ये हमारे पास नहीं है ये सारा हिस्सा। हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल ये लाइन ऑफ कंट्रोल ये है, एक्चुअल इतनी है हमारी, लेकिन हम इसकी कभी बात भी नहीं करते। किसी कांग्रेस की सरकार के मुंह से आपने कभी सुना नहीं होगा कि हम पीओके के लेने की बात करेंगे, और उल्टा है, एक दब्बू सा देश जो पाकिस्तान है वो हमें आंख दिखाता रहता। आप ये देखिए, ये जम्मू है, ये कश्मीर है, श्रीनगर, अनंतनाग, बारमूडा, ये कश्मीर वैली है, ये लेह लद्दाख है, ये कारगिल है, देखिए ये कारगिल है, और कारगिल के बाद ये लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख जिसके अभी तीन अलग अलग केंद्र शासित तो और राज्य बना दिए गए हैं। ये अक्साई चीन है जिसके ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया, ये वाला हिस्सा वो पीओके का वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। ये गिलगित और बाल्टिस्तान है, ये वाला हिस्सा, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अभी हम इसकी बात करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से, आजाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान ने प्रोपोगेट कर रखा है, ये आजाद नहीं है। यहां पर भी आप ये मान के चलिए कि यहां पर डम्मी प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, दिखाने के लिए डम्मी राष्ट्रपति बनाया हुआ है, और ये सब इस्लामाबाद के, कराची के इशारों के ऊपर काम करते हैं। मतलब पाकिस्तान ने ही अपने आदमियों को यहां पर बिठाया हुआ है, और ये कहता है कि ये सारा आजाद कश्मीर है, और वो कहता है कि ये सब भी आजाद है, हम इसको इंडिया के कब्जे से आजाद करवाएंगे। और इसके लिए वो यहां पर अपने पीओके के अंदर आतंकवादियों के कैंप चलाता है। ये जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, घटना हुई थी, वो यहीं पर होने वाली हुई थी, वो उरी यहीं पर है, वैली के अंदर ही है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। तो पाकिस्तान यहां पर आतंकवादियों के कैंप चलाता है, यहीं पर हमारी जमीन के ऊपर बैठकर यहीं से आतंकवादी भेजता है, बार बार यहां के लोगों को डिस्टर्ब करता है, हमारे ऊपर दादागिरी दिखाता है, कश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत करता है, उनको फंड उपलब्ध करवाता है। जो भारतीय सेना के ऊपर पत्थर मारने वाले लोग हैं, उन पत्थर वाले मारने वाले लोगों को सपोर्ट करने का काम करता है, उनकी फंडिंग करने का काम करता है। तो ये षड्यंत्र पाकिस्तान करता है। अब होना क्या चाहिए? आप में से कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको इसकी जानकारी थी, जिनको ये जानकारी थी कि ये हमारा नहीं है और ये हमारा होना चाहिए, और ये हमारा एक्चुअल भारत माता इतनी है, हमारा मैप इतना है, इसकी जानकारी मैं यूं कहूं, आप तो राष्ट्रवादी लोग हैं, आप में से बहुत से लोगों को हो सकती है क्योंकि आप देश से प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आपसे बात करूं कि हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कितने लोगों को जानकारी होगी, हमारे यहां सरकारी नौकरी फौज को छोड़कर बाकी कितने लोगों को जानकारी होगी, हमारे यहां प्राइवेट नौकरी करने वाले युवाओं को कितने लोगों को जानकारी होगी, क्रिकेट से प्रेम करने वालों को कितने लोगों को जानकारी होगी, हमारे यहां 10वीं 12वीं में 18 20 22 24 साल के नौजवानों को, कितने नौजवानों को यह जानकारी होगी कि जम्मू कश्मीर का असली विषय क्या है, पाकिस्तान और चाइना क्या है। तो इसकी हम आज बातचीत करने वाले हैं। अब ये देखिए, ये जो इलाका है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, पांच पांच देशों की सेनाएं यहां पर लड़ती हैं। यहां पर सियाचिन का क्षेत्र है, सियाचिन है, ये सियाचिन हमने ऑपरेशन मेघदूत करके 1984-85 में हमने इसके ऊपर कब्जा किया था। और देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, चाइना यहां से पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रही है, और वो कॉरिडोर यहां से पूरे पाकिस्तान में नीचे जाकर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से एक तरीके से ये कॉरिडोर निकलकर ये ग्वादर पोर्ट के ऊपर जा रहा है। ये ग्वादर पोर्ट है, देखिए ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये ऊपर चाइना है। तो चाइना पूरा एक यहां से रास्ता बना रहा है, तेल की लाइन का, गैस की लाइन का, और रोड हाईवे बना रहा है, ताकि चाइना को कुछ भी अपना सामान सप्लाई करना है मिडल ईस्ट में, यूरोप में, यूरेशिया में, तो वो सीधा यहां भेज सकता है, अफ्रीका तक ये वो कनेक्ट कर सकता है। ये नीचे अफ्रीका शुरू हो गया। अभी चाइना का सामान कहां से आता था? चाइना की यहां पर पोर्ट है साउथ चाइना सी में, चाइना पहले यहां अपने जहाज को भेजता था, फिर वो मलक्का की खाड़ी से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए, इधर से होते हुए फिर वो अरब देशों में, दूसरे देशों में, खाड़ी देशों में पहुंचती थी। तो यहां से वहां तक जाने में उसको समय लगता था कम से कम 3 महीने का। अब ये यहां से भेजेगा तो इसको समय लगेगा बहुत कम। और दूसरा क्या, इसने भारत को यहां से घेर लिया, पीओके के अंदर सड़क बना दी, रोड बना दिया, तो एक तरीके से पीओके के अंदर ये थर्ड पार्टी के रूप में हो गया। पीओके हमारा था, हम उसको ले नहीं पाए, तो अब चाइना ने वहां पर रोड बना दी, 4 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो कहता है कि पीओके के अंदर अब कुछ भी करोगे तो मेरे से बातचीत करनी पड़ेगी,
क्योंकि मेरा पैसा यहां पर लगा हुआ है। तो आप देखिए कि चाइना चारों ओर से घेर रहा है। अभी 1971 के युद्ध में क्या हुआ था, देखिए 1971 का जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जब बांग्लादेश बना, उस समय चाइना इंटरफेयर करने वाला था, लेकिन भारत की नेवी मजबूत थी, भारत ने मलक्का की खाड़ी को रोक दिया था। चाइना का सारा ट्रेड मलक्का की खाड़ी से होता है, मलक्का की खाड़ी में भारत की नौसेना ने रोक दिया था, तो चाइना को मन महसूस कर, मन मारकर चुप रहना पड़ा था। वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो पाया था। अब आगे क्या होगा, आगे अगर उसने ये कॉरिडोर बना लिया है तो आने वाले समय में उसकी 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 निर्भरता मलक्का की खाड़ी में नहीं है। दूसरा क्या है, उसने भारत को घेर लिया, जगह जगह वो बैठ गया है, थाईलैंड से लेकर मलेशिया से लेकर बांग्लादेश से लेकर बर्मा से लेकर श्रीलंका से लेकर मालदीव से लेकर सेसल्स से लेकर इधर दक्षिण अफ्रीका तक, वो कई जगह के ऊपर उसने भारत माता के चारों ओर नौसैनिक अड्डे बना लिए हैं। आप देख लीजिए, मैं आपको ये मैप दिखा देता हूँ। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा गिलगित और बाल्टिस्तान का विषय बनाया, पीओके का विषय बताया। अब ये पीओके, इसकी कहानी आप सुनिए। 1947 में जैसे ही अंग्रेज जाने वाले थे तो अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि हम भारत और को आज़ाद कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान दो देश बनाए जाएंगे। इन दो देशों में जो रियासत जिस किसी देश के साथ मिलना चाहे, उन्होंने तीन ऑप्शन दिए कि या तो आप भारत के साथ जा सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या आप अपने आप को एक फ्री स्टेट बना सकते हैं, एक स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं, देश बना सकते हैं, आप अपने अपनी स्वतंत्रता को कायम रख सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि भारत के अंदर 563 रियासतें थीं। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राजाओं से बात की, प्यार से बात की, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, उनको प्रिवी प्रस दिया, उनको उनके सम्मान को ख्याल रखा और बहुत प्रेम से उनको भारत राष्ट्र के बारे में बताया और उनको शामिल किया। कुछ ऐसे दुष्ट थे, जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, ऐसे कुछ तीन चार रियासतें ऐसी थी जो भारत के महत्व को समझ नहीं रही थी, वो देश के अंदर ये चाहती थी कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे या फ्री रहेंगे। तो उन लोगों के साथ सरदार पटेल ने थोड़ी सी सख्ती की, सेना की जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करना पड़ा। क्योंकि वो देश को तोड़ना चाहते थे। अब ये जो जम्मू कश्मीर की रियासत है, यहाँ पर महाराजा हरी सिंह थे, उनको भी अंग्रेजों ने कहा कि आपकी मर्जी है, आप या तो अलग रहो, या आप पाकिस्तान में चले जाओ, या आप भारत में चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे, ना भारत में जाएंगे, हम तो अपनी अलग से स्टेट बनाकर रखेंगे, हम तो अलग से अपना जम्मू कश्मीर, अलग से अपनी रियासत रखेंगे, अपना देश रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर किसी में शामिल नहीं होता है। अब आज़ादी के बाद पाकिस्तान कबीलाइयों के वेश में, पख्तून के वेश में, मतलब ऐसे ही भाड़े के टट्टुओं के वेश में पाकिस्तानी आर्मी वहाँ के निवासियों को साथ लेकर, गुंडे मवालियों को साथ लेकर कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर देता है। कश्मीर के ऊपर आक्रमण करके श्रीनगर के एयरपोर्ट तक पहुँच जाते हैं। श्रीनगर के एयरपोर्ट तक पहुँचने के बाद महाराजा हरी सिंह के पास कोई बहुत अच्छी आर्मी नहीं थी, थोड़ी सी आर्मी थी, उसकी पिटाई हो जाती है तो वो भारत सरकार को कहते हैं कि आप हमें सेना दे दो, हमें इनसे कबीलाइयों से बचाओ, ये जो पाकिस्तानी कबीलाई आ गए हैं ये हमें मार रहे हैं, तो इनसे हमें हमारे राज्य को बचाने का काम करो। तो अब सरदार पटेल कहते हैं कि हम आपको क्यों बचाएं, आप हमारे लगते क्या हैं, आप तो भारत का हिस्सा नहीं है। तो फिर उनके ऊपर दबाव दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने जिसमें ये गिलगित है, बाल्टिस्तान है, पूरा अक्साई चीन है, लेह लद्दाख है, पूरा पीओके है, पूरा श्रीनगर है, पूरी घाटी है और पूरा जम्मू कश्मीर है, ये सारा इलाका भारत के अंदर मर्ज कर दिया। अब भारत के अंदर मर्ज करने के बाद भारतीय सेना श्रीनगर में उतरी। उस समय हमारे दो परमवीर चक्र मेजर जदुनाथ सिंह और मेजर शैतान सिंह, उनको वहीं पर अपना शौर्य और अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मिले। उन्होंने श्रीनगर के एयरपोर्ट को बचाया, कबीलाइयों को मार मार कर वहाँ पीछे भगाया। और जब पूरी सेना बढ़ती आगे चली जा रही थी तो नेहरू जी ने रेडियो के ऊपर बहुत जल्दी जबरदस्ती करते हुए घोषणा कर दी कि हम कश्मीर का मैटर यूएनओ के अंदर लेकर जा रहे हैं। अगर सेना को दो चार दिन का समय और दे देते, अगर वो सरदार पटेल की बात मान लेते तो ये नासूर नहीं बनता। अब हुआ क्या, जैसे यूएनओ में मैटर गया तो भारतीय सेना जहां तक पहुंची थी, जो अभी हमारी बाउंड्री के ऊपर सेना है, वहां तक हमारी सेना वहीं पर उसको रुकना पड़ा। यूएनओ ने कहा कि अब पूरा कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, पीओके, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसके अंदर रेफरेंडम करवा लो, जनमत संग्रह करवा लो और जो 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 वो लोग चाहेंगे वैसा हो जाएगा। अब भारत का ये आंतरिक मामला है क्योंकि महाराजा हरी सिंह पूरे कश्मीर को भारत को दे चुके हैं। तो इसके लिए अब पाकिस्तान ने
उन गिलगित और बाल्टिस्तान को और पीओके को कहना शुरू किया कि ये आज़ाद कश्मीर है और पूरा कश्मीर आज़ाद ही होना चाहिए, पूरा कश्मीर आज़ादी चाहता है। तो भारत ने जो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को महाराजा हरि सिंह ने विलय किया और जो आज का जम्मू कश्मीर भारत के पास है, उसके ऊपर ये आरोप लगाना शुरू किया कि भारत ने तो जबरदस्ती इसको कब्जे में कर रखा है, हम कश्मीर की आज़ादी लेंगे, छीन के लेंगे, मांग के नहीं मिलेगी तो झगड़ा करके लेंगे, फसाद करके लेंगे, आतंकवाद फैला कर लेंगे। और नतीजा क्या है कि इन आज़ादी के 70 सालों में पाकिस्तान अलगाववादियों को भेजता रहता है, आतंकवादियों को भेजता रहता है, आतंकवादियों के कैंप चलाता है। 1965 में उसने 1947-48 में आक्रमण किया, 65 में फिर आक्रमण किया, 1971 में फिर आक्रमण किया, 1999 में फिर आक्रमण किया, चार चार युद्ध हुए, चारों युद्धों में पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या है कि हम कश्मीर को डिस्टर्ब करेंगे, कश्मीर को लेकर रहेंगे। अब भारत के अंदर मुझे जो सबसे अधिक आश्चर्य होता है वो इस बात का होता है कि भारत के लोगों को पता नहीं है कि भारत की सीमाएं कहां पर हैं। जो नक्शा हम देखते हैं उसमें भारत माता का मुकुट तो गायब है, भारत माता के मुकुट के ऊपर तो आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ है, उग्रवादियों ने, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो इस गिलगित और बाल्टिस्तान का नाम आप लेंगे तो अधिकतर लोगों को पता नहीं लगेगा कि ये किस चिड़िया का नाम है, ये किसी जगह का नाम है, किसी जानवर का नाम है, किसी मिठाई का नाम है या किसी शहर का नाम है, ऐसा उनको वो शो करेंगे। आप किसी भी, आप अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं है या कोई भूगोल का विद्यार्थी नहीं है या कोई आईपीएस आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा है तो उसको इनका नाम सुना हुआ नहीं मिलेगा। आम एक हम हिंदुस्तानी की बात करें, ट्रेन में बैठे हुए हम 100 लोगों से पूछें, आप कैमरा लेकर कनॉट प्लेस में खड़े हो जाएं और कनॉट प्लेस में आने वाले 100 भाइयों और बहनों से, युवाओं से या बुजुर्गों से पूछें तो वो हाथ खड़े कर देंगे कि उन्होंने इसका कभी नाम नहीं सुना। तो जब तक हमारे देश में हमें ये पता नहीं होगा कि हमारे देश का अतीत क्या है, हमारे देश का वर्तमान क्या है, हमारे देश की सीमाएं क्या हैं, हमारे देश के अंदर क्या क्या गलत हुआ है और हमें हमारे देश को बचाने के लिए क्या क्या हमारे राष्ट्रीय दायित्व हैं, तब तक वो देश को बचाएगा कैसे, उसके अंदर वो भाव ही पैदा नहीं होगा। तो ये गिलगित और बाल्टिस्तान के ऊपर पाकिस्तान अपना कब्जा जमाए हुए, अब उसने क्या किया, पहले गिलगित और बाल्टिस्तान दोनों पीओके थे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर थे जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता था। अब उसने सफाई से क्या किया, सफाई से उसने और एक षड्यंत्र किया। अब ये देखिए, जो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके है ये इतना महत्वपूर्ण है, ये वो है जहां पर सात सात देशों की सीमाएं लगती हैं, चाइना की, भारत की, पाकिस्तान की और उसके बाद अफगानिस्तान से लेकर चार पांच और ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं वहां पर क्लब करती हैं और ये वो रास्ता है जहां पर हमलावर आते रहे। ये जो पीओके का एरिया है, गिलगित और बाल्टिस्तान का एरिया है, यहां पर खूब गैस है, तेल है, सोने चांदी की खदानें हैं, ये खूब अगर मिनरल्स की दृष्टि से देखा जाए, खनिज पदार्थों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत रिच एरिया है। लेकिन इस एरिया को 1947-48 में जैसे ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो इसके बाद भारत ने कभी इनकी बात नहीं की। पाकिस्तान अपने कश्मीर के ऊपर दबाव दिखा रहा है, आतंकवादी घटनाएं करवा रहा है और उसके बाद यूएनओ में जाता है, वहां पर कहता है कि भारत की सेना अत्याचार करती है, भारत की सेना रेप करती है, फर्जी वीडियो बनाए जाते हैं, यहां पर वामपंथी लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, असुर गैंग के लोग इन चीज़ों को हवा देते हैं। यासिन मलिक जैसे अलगाववादी व्यक्ति, आतंकवादियों को हीरो बनाया जाता है। अभी जो रायजू, जो नायकू जो कल परसों मारा गया, उसको गणित का टीचर बताया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो देखो वो अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए गया था, मतलब वो एक बहुत अच्छा बेटा था, वो गणित का टीचर था, इसका मतलब बहुत पढ़ा लिखा था, वो युवाओं का आइकन था, वो रोटी बनाते हुए उसको दिखाया जाता है कि जैसे वो केवल आतंकवादी नहीं था, वो तो बहुत मेहनती और हार्ड वर्किंग इंसान था। उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे ये रैम्बो हैं, ये भारत के वीर पुरुष हैं, ये भारत के महापुरुष हैं, उनको महिमामंडन किया जा रहा है। अपने देश के अंदर तो एक मीडिया हाउस है, मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया, वो कहता है कि वो आतंकवादियों को भी लिखता है कि नायकू मारा गया और साथ साथ कहता है कि भारतीय सेना के एक कर्नल, एक मेजर और दो जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एएसआई भी मारा गया, उसकी भी मौत हुई। जो देश और धर्म के लिए, समाज के लिए बलिदान होते हैं उनको हुतात्मा कहा जाता है, उनको बलिदानी कहा जाता है, उनको अपने जान कुर्बान करने वाला कहा जाता है। और आतंकवादी
जो मारे जाते हैं उनकी हत्या नहीं कहा जाता, उनकी मौत नहीं कहा जाता, उनको तो ढेर किया जाता है ये कहा जाता है। लेकिन अपने देश में वामपंथी एक ऐसा गैंग है जो इन लोगों को हीरो बनाने का काम करता है, इनके ऊपर स्टोरी चलाने का काम करता है, इनको ऐसा शो करेगा कि जैसे एक उन जैसी मानसिकता के कट्टरवादी मानसिकता का कोई व्यक्ति देखे तो वो देखेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, आज इसका टीवी के ऊपर फोटो आ रहा है, आज इसके बारे में स्टोरी चल रहे हैं और ये इतना हाईलाइट हो गया तो मैं भी आतंकवादी क्यों ना बनूं। तो उनसे प्रेरित होकर दूसरे लोग आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। तो इस सारे षड्यंत्र से बचने के लिए आपका और हमारा कुछ दायित्व तो है, उसकी भी हम बात करेंगे। पहले इस मामले को पूरा समझ लेते हैं। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमारे देश में मीडिया कभी गिलगित बाल्टिस्तान का मुद्दा नहीं उठाता, पीओके की बात नहीं करता, बलूचिस्तान का मुद्दा नहीं उठाता। हमारे देश में हमारे नेता कभी इसका मुद्दा नहीं उठाते। सबसे पहले पीओके के बारे में बात करने की हिम्मत मैं ये कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद 10 सालों तक हमारे मोनी बाबा प्रधानमंत्री रहे। उनके अंदर तो मुझे लगता है कि जैसे कोई पकड़कर चला रहा है, जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, हर्ट के कई बार ऑपरेशन हो चुके, उसमें हमारी पूरी सहानुभूति है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कम से कम देश का जो प्रधानमंत्री हो उसके अंदर थोड़ा सा पौरुष तो हो, थोड़ा सा करंट हो, थोड़ा सा पराक्रम तो हो, जो कुछ करने की इच्छा रखता हो, जो जज्बा रखता हो, जिसको कई प्रकार की मृत्यु हमारे शास्त्रों में बताई गई है। जो व्यक्ति बीमार होता है, जिसके अंदर उत्साह नहीं होता, जो दूसरों के इशारे के ऊपर काम करता है, जिसकी स्वयं की कोई भावना नहीं होती, वो एक तरीके से जीवित व्यक्ति भी मरे हुए के बराबर होता है, जिंदा लाश की तरह होता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री रहे। अब एक खुशी की बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने, और अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मुझे वो वीडियो देखकर बड़ी खुशी हुई। और उससे पहले आप ये जम्मू कश्मीर का एक बार ये देख लीजिए जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये जो इलाका है, इस इलाके में ये कारगिल ले लद्दाख है, ये कश्मीर श्रीनगर वैली है, ये जम्मू रीजन है। जम्मू के आसपास आप देखेंगे उधम सिंह नगर है, दूसरे एंट्री के पठानकोट से एंट्री के पॉइंट हैं। तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये वाला हिस्सा। अब ये पहले पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था, तो पाकिस्तान ने कारस्तानी क्या की, इस हिस्से को अलग कर दिया, इसको गिलगित बाल्टिस्तान कहा, इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा, और केवल इसके अंदर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डम्मी नियुक्त कर दिए। और ये दुनिया को दिखाता है कि देखो ये आजाद देश है, आजाद कश्मीर है ये, और इस भारत ने इसके ऊपर जबरदस्ती यहां पर कब्जा किया हुआ है। अब इस हिस्से में शिया मुसलमान ज्यादा रहते हैं, ये गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है ये शिया मुसलमान ज्यादा रहते हैं। यहां के लोग चाहते हैं कि भारत इनको आजाद करवाए। भारत पीओके का मालिक है एक तरीके से, मतलब भारत देश के संविधान के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने इस हिस्से का विलय भारत के अंदर किया था। तो ये अपने आप को ये मानते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो वो ये कहते हैं कि भारत की सेना को हस्तक्षेप करके पाकिस्तान की सेना को मारकर यहां से भगाना चाहिए और हमें भारत के अंदर शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान की सेना यहां पर अत्याचार करती है, बलात्कार करती है। कोई भी यदि पीओके के अंदर आजादी की बात करता है, स्कूल यहाँ पर बनाए हुए नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे जो भारतीय सेना के ऊपर आरोप लगते हैं उनसे 10 गुना ज्यादा, वो तो सारे झूठे आरोप हैं, 10 गुना ज्यादा बर्बरता करने का काम पीओके के अंदर पाकिस्तानी आर्मी करती है। लेकिन भारत की नपुंसकता आप देखिए, भारत के नेतृत्व में जो लोग हुए उन्होंने कभी इसका मुद्दा नहीं उठाया। पाकिस्तान इस कश्मीर को मुद्दा बनाता है जो हमारा है। हमने कभी भी पलट कर ये नहीं कहा कि इसके बारे में तो हम कोई बातचीत करेंगे ही नहीं, हम इसकी बातचीत करते हैं कि ये हमें कब देंगे। और अभी तो पाकिस्तान ने बदमाशी करते हुए क्या किया, 2017 में क्या किया, इस गिलगित और बाल्टिस्तान को, जैसे पाकिस्तान के अंदर 4 स्टेट है ना, जो मैंने आपको यहां बताया था कि पाकिस्तान के अंदर 4 प्रमुख राज्य हैं, प्रोविंसेस हैं, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, मैप के बिना आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर देखिए 4 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पख्तून और पंजाब। तो ये 4 प्रांत हैं। तो ये इसको पाकिस्तान इसको
इसको भी अपना एक पांचवा प्रांत बनाना चाहता है, गिलगित और बल्टिस्तान को। पहले पूरा पीओके था, उसने यहां से कट करके, यहां सुन्नी मुसलमान है तो यहां पर डम्मी सरकार बना दी, और यहां पर अब इसको गिलगित बल्टिस्तान के बारे में अभी पाकिस्तान की कोर्ट ने 2017 में क्या कहा कि ये पाकिस्तान की पांचवी स्टेट है। भारत ने इसके ऊपर आपत्ति की और ये कहा कि ये हमारा हिस्सा है। और अभी जब धारा 370 खत्म की गई तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, हमारे गृहमंत्री जी ने जो बयान दिया वो बयान बहुत अच्छा दिया, मैं आपको वो भी सुनवाना चाहता हूँ। तो इसके अंदर पाकिस्तान अपना कब्जा दिखाता है, इस हिस्से में सिया मुसलमान है, इसकी जो आबादी है लगभग 18 लाख की आबादी है, तो इसमें जो अधिकतर आबादी है वो शिया मुसलमानों की थी 1947 में। अभी पाकिस्तान ने बदमाशी और क्या की, सिंध से, पंजाब से, पख्तून से सुन्नी मुसलमानों को लाकर यहां पर बसा दिया, मतलब यहां की पूरी भौगोलिक संरचना को चेंज कर दिया कि कल को ये देखिए आप शिया और सुन्नी मुसलमानों में भी देखेंगे तो जो शिया मुसलमान है वो पाकिस्तान में केवल 20% हैं, और जैसे हिंदू वहां पर धीरे धीरे कम हो रहे हैं ऐसे ही शिया मुसलमान भी वहां पर कम हो रहे हैं, उनके ऊपर भी रोज अत्याचार किए जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये सारा हिस्सा चाहता है कि हमें भारत के अंदर मिला दिया जाए। इस पीओके के अंदर डम्मी सरकार उन्होंने बनाई हुई है, और अपनी सेना ये कहती है कि यदि इस पीओके के अंदर ऑपरेशन करना हो तो ऑपरेशन करने के लिए यहां पर, अभी जनवरी की मैं बात बताता हूं, दिसंबर जनवरी में भारतीय सेना ने 40 दिन तक युद्ध कर सके इतनी पूरी तैयारी कर ली थी, 40 दिन के युद्ध की तैयारी थी। सेना के अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीओके को लेना भारतीय सेना के लिए लगभग ऐसा ही है, ये 2 दिन से ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। 1965 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, उस समय भी यदि हमारी सेनाओं को रोका नहीं जाता तो ये पीओके बहुत आराम से ले सकते थे। 1971 का जब युद्ध हुआ, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, उनके 93,000 सैनिक हमारे पास थे, उन 93,000 सैनिकों के बदले हम चाहते तो आराम से सौदेबाजी कर सकते थे कि हम आपको बाकी जमीन और सैनिक बाद में देंगे, पहले हमारा पूरा पीओके वापिस करो। लेकिन मैं भारतीय नेताओं की नपुंसकता के बारे में जब सोचता हूं कि भारत के अंदर जो नेता है वो भारत को धर्मशाला मानते हैं क्या? हम अपने घर के अंदर अगर 10 कमरे हैं तो 10 कमरों में से 2 कमरों में किसी गुंडा और मवाली कोई आकर, कोई कुत्ता आकर रहे, कोई सुअर आकर रहे, तो हम उसको रहने देंगे क्या? उसको लठ लेके उसको बाहर निकालेंगे? हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगी तो परिवार के, कुटुंब के सारे व्यक्तियों को इकट्ठा करेंगे? तो भारत के नेताओं ने कभी पीओके के बारे में बात ही नहीं की, बल्कि पीओके के बारे में तो ये बात होनी चाहिए कि पीओके तो हम लेंगे ही लेंगे, कश्मीर के ऊपर तो कोई बात हो नहीं सकती। और जब धारा 370 हटाई गई तो धारा 370 के बाद मैं आपको हमारे देश के गृहमंत्री जी का एक बयान आपको सुनवाता हूं, वो बयान बड़ा तसल्ली देने वाला बयान है, आपको आवाज आएगी जब संसद में बहस चल रही है, और संसद की बहस में हमारे देश की संसद में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे वो पाकिस्तान के प्रवक्ता हों, जैसे उनको कितनी बड़ी तकलीफ हो गई है कि अगर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए कोई रुकावट थी और वो रुकावट वो अगर ब्रेकर था तो उस ब्रेकर को यदि तोड़ दिया तो उनको क्या दिक्कत होने वाली है। तो गृहमंत्री जी अमित शाह जी, उन्होंने जो बयान दिया वो बड़ा अच्छा दिया, मुझे लगा कि सरदार पटेल के बाद कोई दूसरा अच्छा गृहमंत्री देश को अभी मिला है। एक सेकंड भाई सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे? आप मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी, प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? मुद्दा यह था, जब धारा 370 की बात चल रही थी तो भारत की संसद धारा 370 के बारे में निर्णय ले लेती है कि ले लद्दाख अलग से, जम्मू अलग से और कश्मीर को अलग से करके हम ये धारा 370 खत्म करते हैं और इसमें ये केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। जो निर्णय लिए गए उसके ऊपर भारत के अंदर ही भारत का प्रमुख दल ये विरोध करता है कि ये तो यूएनओ का मामला है, भारत की संसद कैसे इसके ऊपर निर्णय ले सकती है? ये बात कोई दुश्मन देश चीन कहे, पाकिस्तान कहे, पाकिस्तान का राजदूत कहे, पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता कहे, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कहे तो समझ में आती है। हमारे देश के संसद में बैठे हुए
लोग यदि इसी के ऊपर आपत्ति उठाएं कि अखंड भारत बन रहा है और उनको उसमें आपत्ति हो, तो मुझे लगता है इससे बड़ा किसी भी देश का और कोई बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो जब वो सवाल उठाते हैं कि ये यूएनए का मैटर है, और जब ये कहते हैं कि आप कश्मीर की बात करें, तो अमित शाह जी कहते हैं कि मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, और जब मैं हम कश्मीर बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, तो उसके अंदर गिलगित होता है, बाल्टिस्तान होता है, पीओके होता है, उसके अंदर अक्साई चीन भी होता है। ये अलग बात है कि हमारी स्ट्रेटेजी है हम पाकिस्तान और चाइना के साथ दोनों के साथ एक साथ झगड़ा नहीं मोल ले सकते, क्योंकि ये पाप कई 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 दशकों के हैं, तो एक साथ ये धुल नहीं सकते। तो गृहमंत्री जी ने ये कहा कि ये हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है और हम इसकी रक्षा करने के लिए अपने प्राण दे सकते हैं। मुझे लगता है कि सरदार पटेल के अंदर इतना जज्बा था, और दूसरा देश के अंदर अभी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने हिम्मत करने का काम किया है। तो अभी ये जो गिलगित और बाल्टिस्तान का एरिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विडंबना की बात ये है कि हमारे घर के ऊपर कोई दूसरा कब्जा जमाए, उसके ऊपर आरोप लगाए कि ये तुम्हारा नहीं है, हमारे एक मकान के ऊपर पहले से वो कब्जा किए हुए बैठा है, हम उसकी बात नहीं करते, हमारा एक मकान लिया हुआ है, दूसरा मकान हमारा वो छुड़वाना चाहता है कि इसको भी हमें दे दो, उसके ऊपर गुंडे भेजता है, मवाली भेजता है, उसके ऊपर पत्थर फेंकता है, उसके अंदर सुअर छोड़ता है, उसके अंदर कुत्ते छोड़ता है, उसके अंदर सांप छोड़ता है, और हम चुप करके उसको सिर्फ ये कहते हैं कि भैया हमारे ऊपर पत्थर मत फेंको, हमारे ऊपर सुअर मत भेजो, हमारे ऊपर सांप मत भेजो, हमारे ऊपर अत्याचार मत करो, हमारे ऊपर चूहे मत छोड़ो, हम ये उससे रिक्वेस्ट करते हैं, और जबकि हम उससे ताकतवर हैं। हमारे घर के सदस्यों को यह जानकारी नहीं है कि वो दूसरे वाला मकान जो जिसके ऊपर पड़ोसी कब्जा किए हुए बैठा है वो उसका नहीं है, वो एक्चुअल में हमारा है। तो अब वो बात होनी शुरू हो गई है। और अब मैं आपको पाकिस्तान का एक किस्सा और बताता हूँ, ये मैंने थोड़ी सी आपके सामने बात रखी। अब ये गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं, मानवाधिकार आयोग के लोग हैं, ये भारत के सामने गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि आप हमारी बात क्यों नहीं करते। वो कहते हैं कि भारत हमें क्यों नहीं बुलाता, अपने IIT IIM में अपने विद्यालयों के अंदर हमें एडमिशन क्यों नहीं देता, भारत क्यों नहीं बार बार बयान देने के साथ साथ ये कहे कि POK का कोई व्यक्ति आएगा तो हम उसको यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का भी काम करेंगे, हम उसका इलाज एम्स में करवाएंगे, चाहे 10 व्यक्तियों का करवाए लेकिन 10 व्यक्तियों का भी करवाएंगे तो संदेश तो जाएगा। अभी भारत ने हिम्मत करते हुए दो तीन बड़े काम किए, धारा 370 वाला किया, ये कहा कि POK हमारा है, हम इसको लेकर रहेंगे। तीसरी बात, हमारे भारत के रक्षा मंत्री जी ने ये कही कि भारत परमाणु हथियार का पहले प्रयोग नहीं करेगा, ये हमारा निर्णय था, लेकिन हम इसके अंदर कोई बदलाव भी कर सकते हैं, मतलब हम इसके ऊपर दोबारा से सोच सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम प्रयोग करेंगे, कि भी हम इस निर्णय को कभी भी बदल सकते हैं, ये हमारा अपना निर्णय है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, तो इसमें कुछ गलत नहीं किया। लेकिन इतना कहने से ही आपके उस पड़ोसी के दस्त लगने शुरू हो जाते हैं, पेंट गीली होनी शुरू हो जाती है, जो केवल आपको इसलिए धमकाता है कि मैं परमाणु बम फोड़ दूंगा, मैं आक्रामक हूं। अब साफ साफ हमारी सरकार ने कह दिया है कि आप बात करेंगे तो आपसे POK के ऊपर बात होगी, और वो भी तब होगी जब आतंकवादी भेजना आप बंद कर देंगे, नहीं तो आपसे हम कोई बात करने वाले नहीं है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की तो आप बात मत करो, वो तो हमारा हिस्सा है ही, अब बात POK की करनी है। और लाल किले की प्राचीर से इन 70 सालों में देखिए, पंजाब के पाकिस्तान के अंदर एक एरिया है जिसको बोलते हैं बलूचिस्तान। अब ये बलूचिस्तान क्या है, ये बलूचिस्तान वो एरिया है, मैं अगर इसकी बात करूं तो ये बलूचिस्तान जैसे पाकिस्तान के अंदर चार प्रांत है ना, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तून है जो अफगानिस्तान ईरान की सीमा के साथ है, और चौथा जो प्रांत है वहां की जो बड़ी स्टेट है। पाकिस्तान को चार हिस्सों में आप बांट दीजिए, जैसे भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर चार प्रोविंसेस हैं, चार स्टेट हैं, जिसमें एक सिंध है, एक पंजाब है, एक खैबर पख्तून है, और चौथा बलूचिस्तान है। अब जब 1947 में जब सारे राजाओं को यह कहा गया कि आप कहीं भी जा सकते हैं, तो कश्मीर की तरह ही बलूचिस्तान एक स्टेट थी, उस बलूचिस्तान के जो राजा थे, उनके जो नवाब थे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, वो भारत के साथ नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को अपने आप को अलग स्वतंत्र घोषित कर दिया, और अपने आप को उन्होंने अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा बना ली, और उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो अलग रहेंगे, वो फ्री रहेंगे, हम ना तो पाकिस्तान से मिलेंगे ना हम भारत से मिलेंगे। और उन्होंने जिन्ना को भी बता दिया, बलूचिस्तान के लोगों ने जिन्ना को अपना वकील नियुक्त किया था ताकि वो बलूचिस्तान अपनी आज़ादी को कायम रखे। कैसे धोखा देने का काम ये जिन्ना जैसी मानसिकता के लोग करते हैं, उन्होंने
बलूचिस्तान के लोगों से अपने वजन के बराबर सोना लिया था कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लड़ूंगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लड़ूंगा कि आपको अलग रखा जाए, आप कोई ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत नहीं रहे तो आपका निर्णय करने का अधिकार ब्रिटिश को नहीं है, तो आपको स्वतंत्र रखा जाए। तो उसके अपने वजन के बराबर जिन्ना ने उनसे सोने की फीस ली थी। आज़ाद हुआ देश, उन्होंने अपने आप को अलग घोषित किया। घोषित करने के बाद 1947 में उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। अपने यहाँ उन्होंने पार्लियामेंट की स्थापना कर दी, अपना संविधान बनाकर उन्होंने अपने देश का कामकाज चलाना शुरू कर दिया। और ये जो बलूचिस्तान का एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पर गैस पाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मतलब जितना जो खनिज पदार्थ है। जैसे भारत की बात करें तो भारत का खनिज पदार्थ हर स्टेट में नहीं है, बाकी स्टेट में तो थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है? झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, थोड़ा सा बिहार के कुछ इलाके में है। हर जगह नहीं है, हर जगह कोयला नहीं पाया जाता, हर जगह बॉक्साइट नहीं पाया जाता, हर जगह आयरन ओर नहीं पाया जाता, तो सब जगह नहीं पाया जाता। ऐसे ही पाकिस्तान के जो संसाधन है, या तो वो गिलगित और बाल्टिस्तान में है, या फिर किस में है? बलूचिस्तान के अंदर है। अभी बलूचिस्तान के लोग 15 अगस्त 1947 को उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। 1948 में लगभग 9 महीने बाद पाकिस्तान की सेना ने उनके ऊपर आक्रमण किया, हवाई हमले किए, वहां के हजारों लोगों को गायब कर दिया गया, खूब अत्याचार किए गए और जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंदर मिला लिया। इन 70 सालों में वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हजारों की संख्या में उनके लड़ाके मारे गए, बलूच लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी के साथ लगातार संघर्ष करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे मेजर जनरल, ऐसे ऐसे सेनापति जनरल टिक्का सिंह वहां पर भेजे हैं जिन्होंने बलूच महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं, उनको गायब कर दिया, बलूच युवकों को सरेआम खड़े होकर गोली चला दी, बलूचिस्तान के अंदर हवाई हमले करने का काम किया है, इतने अत्याचार किए हैं। और वो बलूचिस्तान के लोग आशा की किरण कहाँ देखते हैं? वो कहते हैं कि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाकर, आज़ादी दिलवाकर, उनको बांग्लादेश के रूप में उनको मान्यता दिलवाई, उसका कल्याण किया, उनको पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त किया, तो भारत का दायित्व तो बनता है। वह एक बड़ा देश है और वह मानवतावादी देश है, वो अहिंसावादी देश है, वो सबका भला चाहने वाला देश है। तो बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि भारत को हमारे बलूचिस्तान में हस्तक्षेप करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान के चुंगल से आज़ाद हो सकें। अब आप कल्पना कीजिए कि हमें तो बलूचिस्तान का नाम नहीं सुना होगा, हमारे राष्ट्रभक्त व्यक्तियों को ये नहीं पता होगा कि बलूचिस्तान का मैटर क्या है। अब ये जो बलूचिस्तान है, ये आज़ादी मांग रहा है। बलूचिस्तान के नेता जब पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए तो अफगानिस्तान में चले गए, यूरोप के देशों में रहकर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और अभी भी वहाँ पर बलूचिस्तान के लड़ाके इतने जुझारू हैं कि वो लगातार संघर्ष करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जिन्ना को भगवान नहीं माना जाता। बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमान तो जरूर हैं, लेकिन मुसलमान होते हुए भी हम भारत की परंपराओं का सम्मान करते हैं। हमारे आदर्श मोहम्मद गोरी नहीं है, मोहम्मद गजनवी और खिलजी नहीं है, हम यहीं के रहने वाले हैं। मतलब एक तरीके से मिडल ईस्ट के जैसे मुसलमान है ना, जो नकली मुसलमान नहीं है, उस टाइप के वहां पर मुसलमान है जो भारत से प्रेम करते हैं, जो कहते हैं कि भारत हमें यदि आज़ादी दिलवाएगा तो हम भारत का पूरा सम्मान करते हुए भारत के छोटे भाई की तरह रहेंगे। तो ऐसे लोग बार बार भारत से मदद मांगते हैं, लेकिन भारत के किसी नेता में हिम्मत नहीं हुई कि उनसे बात करें, उनको सपोर्ट करने का काम करें। उनके यहाँ ह्यूमन राइट का खूब वॉयलेशन होता है, उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाते, गिलगित की आवाज़ नहीं उठाते, बाल्टिस्तान की आवाज़ नहीं उठाते, पीओके की आवाज़ नहीं उठाते। और तो और जो हमारा पीओके हमारा है उसके अंदर आतंकवादियों के कैंप चलते हैं, तो उन कैंप को हम नष्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाते। पाकिस्तान हमारे यहाँ 9/26/11 करता है, हमारी सेना के ऊपर हमला करता है, हमारे यहाँ मुंबई में बम विस्फोट करता है, हमारे यहाँ लगातार संसद के ऊपर हमला करता है, लेकिन हम उसको जवाब नहीं दे पाते। तो अभी पॉलिसी चेंज हुई है, पॉलिसी इतनी चेंज हुई है कि अब आगे कोई बातचीत होगी तो पीओके की बात होगी। अब कोई आतंकवादी हमला हुआ है तो हुआ तो हो सकता है कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो, तब सर्जिकल स्ट्राइक यही हो कि पीओके के ऊपर ही कब्जा किया जाएगा। तो ऐसी सद्बुद्धि हमारे देश के नेताओं को भगवान दे, उनको ताकत दे, ऐसा वातावरण बने कि हमारे भारत माता का मुकुट हमें वापस मिल जाए। अब आपको और हमें क्या करना है? आपको और हमें सबसे पहले तो अपने देश के बारे में अपनी जानकारी बढ़ानी है। एक काम, ये जहाँ कश्मीर की बात आए, जहाँ
पाकिस्तान की बात आए, जहां देश की बात आए, भारत माता की बात आए, तो सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए अपने दूसरे युवाओं के अंदर भी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति जगानी है। उस देशभक्ति को जगाने में आपको अपने मोबाइल का पूरा प्रयोग करना है, एक न्यूज चैनल के स्टूडियो की तरह आपको मोबाइल का प्रयोग करना, एक समाचार पत्र की तरह आपको मोबाइल का प्रयोग करना है, एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल की तरह आपको अपने मोबाइल का प्रयोग करना है। हजारों व्यक्तियों तक आपको जो विचार अच्छा लगे, जो देशभक्ति का विचार है, जो क्रांतिकारियों का विचार है, जो महापुरुषों का विचार है, उस विचार को कम से कम आप संकल्प कर लीजिए कि 1000 युवाओं तक पहुंचाऊंगा। उनका ब्रेन वॉश ऐसा करेंगे कोई बाहर का व्यक्ति उसका ब्रेन वॉश ना कर पाए। आज आपने देखा होगा कि हम पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करना नहीं चाहते, मतलब भारत का कोई नेता उसको छेड़ना नहीं चाहता, उसकी बात नहीं करना चाहता। क्या कहता है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जबकि पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान में अपने यहां अलगाववादियों को, यासीन मलिक जैसे लोगों को पैसा दिया जाता है। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान अपने यहां दलितों के नाम पर, एनजीओ के नाम पर, अलग अलग क्षेत्रों के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, मजहबवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर खूब पैसा फेंकता है कि भारत को किसी भी तरीके से तोड़ा जा सके। भारत के अंदर स्लीपर सेल तैयार करता है, भारत के अंदर प्रशिक्षण देकर आतंकवादियों को भेजता है, भारत के अंदर कलावा बांधकर कसाब जैसे आतंकवादियों को भेजा जाता है, ताकि भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करके भारत के अंदर आरोप लगाया जा सके कि भारत के अंदर तो हिंदू भी स्वभाव से हिंसक होता है, आतंकवादी होता है। तो ये सारे षड्यंत्र पाकिस्तान रचता है। हम इन षड्यंत्रों को बेनकाब करें और अपनी अच्छी चीज़ें, हम देशभक्ति की चीज़ें, महापुरुषों की चीज़ें, योग की चीज़ें, यज्ञ की चीज़ें, भारतीय संस्कृति की चीज़ें अपने एक एक युवा के मन में डालें। उसके लिए व्हाट्सअप का प्रयोग कीजिए, फेसबुक का प्रयोग कीजिए, ट्विटर का प्रयोग कीजिए, व्यक्तिगत बातचीत का प्रयोग कीजिए। कोई युवा आपको मिलता है तो उस युवा को समझाने की कोशिश कीजिए, और आप यदि सहमति हो तो आप इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए, कल शेयर कर दीजिए, ताकि ये विचार पहुंचे। ऐसे विचार आपको फेसबुक के ऊपर और भी मिलेंगे, आप मेरे पेज को फॉलो करेंगे या लाइक करेंगे तो जो ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं उनके भी विचार आपको मिलेंगे। तो उसमें से जिस भी भाई के अच्छे विचार लगे उसको आप शेयर कीजिए, उसको खुद सुनिए, खुद उसके नोट्स बनाइए, उसकी जानकारी कीजिए, दूसरे लोगों को बताइए, कम से कम 100 लोगों को जगाने का संकल्प लीजिए। दूसरा, अपने व्यक्तिगत जीवन में संकल्प लीजिए कि अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं जाति के नाम से कभी झगड़ा नहीं करूंगा, मैं वर्ग मत पंथ के नाम से झगड़ा नहीं करूंगा, और देश के लिए कुछ करने की आवश्यकता पड़ी तो उस देश के लिए करने के लिए तैयार रहूंगा। मैं देश का योगदान, देश के अंदर स्वदेशी का प्रयोग करके, देश के अंदर टिकटॉक ना खेल के, देश के अंदर विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करके, देश के अंदर हमारे शहीदों के, हमारी संस्थाओं का सम्मान करके, और कहीं कुछ गलत होता है, कोई समाचार पत्र गलत लिखता है, तो अभी होता क्या है कि हम बोलते नहीं हैं, हम नहीं बोलते तो वो समाचार पत्र एक खबर गलत छापते हैं, तो दोबारा गलत छापते हैं, तीसरी बार गलत छापते हैं। हम यदि उसके फोन नंबर उसका इंटरनेट से निकालेंगे कि एक समाचार पत्र ने गलत छाटा, उसका नाम लिखेंगे गूगल में, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर लगाकर उसको फोन कीजिए और कहिए कि आपने ये गलत छापा है, हम इसका आपका विरोध करते हैं, हम आपका विरोध करके आपके ऊपर FIR करवाएंगे, आपका समाचार पत्र खरीदना बंद कर देंगे, हम आपका चैनल देखना बंद कर देंगे, हम 100 लोगों को और बताएंगे कि आप भारत का अपमान करते हैं, भारत माता का अपमान करते हैं। यकीन मानिए, मैं एक बड़े संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, जब किसी संगठन को यदि 50 व्यक्ति भी फोन करके ये कहते हैं तो उस संगठन को, उस कंपनी को, उस मीडिया हाउस को बैक फुट पर आना पड़ता है। उसको ये नहीं पता लगता कि 50 व्यक्ति कह रहे हैं, उसको ये लगता है कि 100 करोड़ की आबादी में से कम 5 करोड़ लोग ये कहना चाह रहे हैं, तभी हमारे पास 50 कॉल आई हैं। तो हमें अपना विरोध, गलत चीज के लिए विरोध दर्ज करवाना है। और ये सारा मैटर जो आज हमने डिस्कस किया, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, जो मैंने पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धे आचार्य जी और देश के विद्वानों से सीखा है, उनकी बातचीत को मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में आप तक पहुंचाया है। मैं कोई किसी विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैंने जो पीड़ा महसूस की कि ये बातें हमें पता होनी चाहिए और मुझे पता लगी है, तो मेरा दायित्व तो है मैं कम से कम 20,000 लोगों को ये बात जरूर बताऊं। और मैं देखूंगा कि कल जब ये वीडियो के व्यूज देखेंगे तो 20,000 लोगों तक इसके व्यूज जा चुके होंगे, तो यदि मैंने 2,000 व्यक्तियों तक भी ये बात पहुंचा दी तो मैं ये मानूंगा कि मैंने अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर लिया, मैं मौन नहीं रहा, मैंने अपनी गिलहरी जैसा योगदान इस देश की सेवा के अंदर कर दिया। तो आप सब इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करें, राष्ट्र धर्म को हमेशा आगे रखें, और भारत बलूचिस्तान के बारे में आप
खबरें निकाल लें, बलूचिस्तान के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं उनके बारे में, बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट का वायोलेशन होता है उसके बारे में निकालें, उसके वीडियो शेयर करें, गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में, पीओके के बारे में बताएं, युवाओं के बीच में जनमत तैयार करें। अभी दिक्कत क्या है कि भारत के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान का कोई मुद्दा नहीं है, देश के किसी नागरिक को पता ही नहीं कि उसका वो हिस्सा हमें लेना है, इसलिए चुनाव में कभी वो मुद्दा नहीं बनता। तो हमें एक एक युवा के मन में मुद्दा बनाना है। अच्छा, मुद्दा कैसे बनाया जाता है? नेपाल के अंदर जो मैंने कल काले पानी की बात की थी ना, वो काले पानी का एरिया जो 25 वर्ग किलोमीटर का है, केवल कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, उस 25 वर्ग किलोमीटर के एरिए में चाइना ने प्रोपोगेंडा करते हुए नेपाल में उसका हवा बना दिया, नेपाल के स्वाभिमान के साथ उसको जोड़ दिया कि हम ये काला पानी का ये 25 किलोमीटर का एरिया जहां पर घास का तिनका भी नहीं उगता उसको वापस लेकर रहेंगे। ये बाल्टिस्तान, गिलगित, ये पीओके और ये अक्साई चीन, ये 1,10,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, भारत का 30वां हिस्सा। अपना एक जो बड़ा स्टेट है ना, मध्य प्रदेश जैसा, हरियाणा जैसे, दो से तीन स्टेट उसमें बन सकते हैं, दिल्ली हरियाणा सब मिला दीजिए, उसके दिल्ली हरियाणा पंजाब मिला दे तो जाकर इतना होता है। इतने हिस्से के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और वो हमारे यहाँ चुनाव का मुद्दा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमें बताया नहीं जाता, हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमारे मीडिया के अंदर उसके बारे में कोई खबर नहीं दिखाई जाती, हमारे मीडिया में बलूचिस्तान का नाम कभी नहीं दिखाया जाता, गिलगित बाल्टिस्तान का नाम नहीं दिखाया जाता, पीओके का नाम नहीं दिखाया जाता, हमें कभी नक्शा समझाया नहीं जाता। तो इसमें पूरा मीडिया भी दोषी है। मीडिया के अंदर कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन कुछ लोग इतने बुरे हैं जो भारत के अंदर बैठकर भारत की बुराई करने का, भारत को तोड़ने का काम करते हैं, भारत के तोड़ने के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको भी हमें एक्सपोज करना, और उनको एक्सपोज हम कर सकते हैं सोशल मीडिया का प्रयोग करके। और सबसे पहले हम सोशल मीडिया का